नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। विजयदशमी के दिन कांग्रेस को ग्वालियर अंचल में करारा झटका लगा है। कांग्रेस के अशोकनगर और शिवपुरी के दो महिला नेत्रियों समेत तीन नेताओं ने विजयदशमी के दिन सिंधिया के महल में पहुंचकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के समक्ष बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। जिन कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है उनमें से एक कांग्रेस नेत्री साल 2020 के उपचुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी बनकर अशोकनगर विधानसभा से चुनाव लड़ चुकी है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे ही तोड़ जोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। इसकी बानगी मंगलवार को ग्वालियर में देखने को मिली। आपको बता देते हैं, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल जयविलास पैलेस पहुंचकर कांग्रेस की दो नेत्री आशा दोहरे और अनीता जैन ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसके अलावा कांग्रेस नेता राकेश जैन अमोल ने भी कांग्रेस को अलविदा कहते हुए भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। खास बात यह है कि बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने वाली आशा दोहरे और अनीता जैन रिश्ते में सास बहू हैं। अशोकनगर में आशा दोहरे ने साल 2020 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाकर भाजपा के प्रत्याशी जयपाल सिंह जज्जी के खिलाफ चुनाव लड़ा था।